सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीएनसी यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियो सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल। और ये जब आज हम बात करने वाले हैं कनाडा के वर्क परमिट के बारे में कि किस तरह से आप कनाडा वर्क परमिट पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए और किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो, तो इसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें देन मैं आपको बता दूँ कि वर्क परमिट इतनी जल्दी नहीं मिलता जितनी जल्दी लोग प्रोमिस करते हैं। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक महीने में कनाडा चला जाऊँ? जी नहीं, आप एक महीने में नहीं जा सकते क्योंकि टोटल जो प्रोसेस होता है कम से कम 2 महीने उसमें लग जाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से अप्लाई करना होता है, वहाँ से फिर लिमिया जनरेट होता है, फिर कहीं आपको अपनी फाइल रखनी होती है और फिर जाके कहीं आपका वर्क परमिट होता है, तो कम से कम 2 महीने लग जाते हैं, 2 से 3 महीने यहाँ पे प्रोसेस टाइम लग जाता है। तो कोई भी अगर आपको बोले कि 1 महीने में भेज दूंगा देन वो झूठ है। हाँ, मगर कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जहाँ की आपको थोड़ी सी जल्दी बुलाया जाता है लेकिन उसमें भी कम से कम 45 दिन लग जाते हैं। तो आप अगर मान के चलें देन यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि 2 महीने का टाइम आपको लगता ही लगता है, 2 महीने से कम का टाइम तो बहुत मुश्किल से लगेगा। तो अगर आपको जाना है देन आप ये सोच के चलिए कि आपको 2 महीने लग जाएंगे अगर आप वर्क परमिट में जा रहे हैं। तो देन दूसरा सवाल यहाँ पे IELTS क्या ज़रूरी है वर्क परमिट के लिए? मैं बोलूँगा नहीं, हाँ बट आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर कोई आपसे सवाल पूछे मतलब आपका नाम क्या है, आपका मतलब एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ें आप बता सके तो ही तो आप वहाँ पे काम करेंगे। मतलब अगर आपको कोई बोला कि भाई यू हैव टू डू दिस वर्क, तो आपको पता ही नहीं भाई कौन सा काम करने के लिए उसने बोला क्योंकि आपको इंग्लिश समझती नहीं। और अगर उसने कुछ पूछा कि क्या आपने ये काम किया देन आपको बताना पड़ेगा ना। तो इसलिए यहाँ पे इंग्लिश तो चाहिए बट हाँ IELTS कंपलसरी नहीं होता सारे वर्क परमिट्स के लिए, तो आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर ये रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें देन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई, पहले जाके अपना एलिजिबिलिटी चेक करा लो। एलिजिबिलिटी चेक कराने के लिए किसी कंसल्टेंट्स के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर cic.gc.ca जो कि कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें अगर आप जाएंगे और इमिग्रेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको नीचे वर्क दिखेगा, वर्क पे अगर आप क्लिक करेंगे देन आप वहाँ पे अंदर जाके टेम्प्रेरी वर्कर पे क्लिक कर सकते हैं और बाद में अपना एलिजिबिलिटी खुद ही उसी वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। किसी कंसल्टेंसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे दिखाया कि हाँ आप एलिजिबल हैं, जो कि अगर आप 12वीं पास हैं और आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है और आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है देन आप जनरली एलिजिबल ही दिखाएगा। साथ ही साथ कुछ मेडिकल इश्यूज भी होते हैं वो भी आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी कंसल्टेंसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है। आप cic.gc.ca उसमें जाके अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर आपको एलिजिबल दिखाया देन आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दूसरा रास्ता कि आप जॉब के लिए जो जॉब वेबसाइट है उसे cic.gc.ca उसमें भी जॉब बैंक्स है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कई सारे रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं उनके थ्रू से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने भी कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ टाई अप किया है, तो आप हमारे माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। जब भी हमारे पास वैकेंसी आती है तो हम उसके ऊपर वीडियोज़ बना देते हैं। हाँ, लेकिन कई बार ऐसी छोटी छोटी वैकेंसी आती है जिसमें कि 1-2 आदमी ही चाहिए होते हैं तो उस पर हम वीडियो नहीं बनाते। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.bncuniverse.co.in इसमें जाके विजिट करना है और जो भी जॉब आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना है। एम्प्लॉयर की ईमेल आईडी दी हुई होती है, इसमें भी कोई बीच में किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। आप अपना CV प्रॉपरली ड्राफ्ट कीजिए कैनेडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से देन ही आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। जो हम भेजते हैं ना कुछ CV तो मेरे को काफ़ी मेहनत लग जाती है उस पर, तो इसलिए कैनेडियन स्टैंडर्ड का CV आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद अपना CV को उस हिसाब से ढालिए और उसके बाद अप्लाई कीजिए। और उसके बाद जब आप अप्लाई करते हैं देन वहाँ से एम्प्लॉयर अगर चाहे देन इंटरव्यू होता है, अदरवाइज एम्प्लॉयर को अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इंटरव्यू की देन इंटरव्यू नहीं भी होता है। देन उसके बाद वहाँ से एक ऑफर लेटर आता है, अगर आप ऑफर एक्सेप्ट करते हैं देन कन्फर्मेशन लेटर वहाँ से सेंड किया जाता है। उसके बाद लिमिया जो कि कंपलसरी होता है, लिमिया यहाँ पे आपको जनरेट किया जाता है जिसमें कि तकरीबन 20 से 30 दिन लग जाते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से। और उसके बाद जब वो आता है देन कहीं हम आपकी वीज़ा की फाइल एम्बेसी में पुटअप कर सकते हैं। एम्बेसी में जब हम पुटअप करते हैं उसके बाद भी 10-15 दिन लगते हैं। और उसके बाद एम्बेसी में जनरली ये काम होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और एम्प्लॉयर्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं कहीं कोई फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है।
और ये सारी चीज़ें करने के बाद वो आपको बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाते हैं, बायोमेट्रिक्स आपको जाके देना है और बायोमेट्रिक्स देने के बाद आपका जनरली वीज़ा हो जाता है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि मैं बोलूँ अगर 100 में से 2 लोगों में ऐसा होता होगा कि उनको इंटरव्यू भी देना पड़ता है, अदरवाइज़ इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होती है कनाडा जाने के लिए, खास करके वर्क परमिट में। तो इसलिए आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। cic.gc.ca उसमें जाइए, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कीजिए। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आप चाहें तो उसी वेबसाइट में जीसी की के माध्यम से आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट या फिर कई सारी और भी कंसल्टेंसी की वेबसाइट है या फिर जो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी है उनकी वेबसाइट है, उनके माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपनी वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सीवी जो है कैनेडियन स्टैंडर्ड से बना हो, तभी जाके अप्लाई कीजिए। तो जैसे ही आप अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपका वहाँ से ऑफ़र आएगा, उसके बाद ही आपकी फ़ाइल आगे बढ़ेगी, तब तक आपको वेट ही करना है। तो ऑफ़र आने में तकरीबन 10-15 दिन लग जाते हैं, उसके बाद लिमिया जनरेट होता है, लिमिया जनरेट होने में भी 10-15 दिन और लग जाते हैं, 20 दिन तो कम से कम लग ही जाते हैं। तो इसके बाद आपको फिर अपनी फाइल एम्बेसी में पुटअप करनी है और उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो आपको बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि कनाडा का क्लाइमेट थोड़ा सा एक्सट्रीम है, तो आपको अपना मेडिकल पहले से करा लीजिए, ताकि ये सारी चीज़ें होने के बाद मेडिकल में कहीं फाइल ना अटक जाए। मतलब वहाँ से ऑफ़र आ गया, लिमिया आ गया, आप मेडिकल करा रहे हैं और उसमें रिजेक्ट हो रहे हैं, तो मतलब सपना बनने से पहले एक बार चेक करा लीजिए आप फिज़िकली फ़िट हैं या नहीं। अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं देन ही आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि सिकल सेल वाले को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, साथ ही जिन लोगों को बीपी है उन लोगों को भी तकलीफ़ होती है कनाडा में। तो एक बार आप फिज़िकली फ़िट हैं या नहीं वो चेक करा लीजिए और उसके बाद ये सारी प्रोसेस कीजिए। तो ये था आज का पूरा वीडियो, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि एकदम सिंपल वे में आपको बताऊँ कि वर्क परमिट किस तरह से अप्लाई किया जाता है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ बोल दूँ, ये जो वर्क परमिट के बारे में हमने बोला वो क्लोज्ड वर्क परमिट थी, ठीक है। ओपन वर्क परमिट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो लोग किसी के स्पाउस हो। अगर आपका हस्बैंड या वाइफ वहाँ पे स्टडी में गए हैं देन आपको ओपन वर्क परमिट मिल सकता है, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ वहाँ पे वर्क परमिट में गए हैं देन आपको ओपन वर्क परमिट मिल सकता है। स्पाउस या डिपेंडेंट के अलावा और किसी को ओपन वर्क परमिट नहीं मिलता है। जो एजेंट बोलते हैं ना कि हम ओपन वर्क परमिट दिला देंगे और आप वहाँ पे कोई भी काम कर लीजिएगा, ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होता है, तो इस चीज़ से भी बचिएगा। सो ये था आज का वीडियो, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन नीचे है, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।